बोला विनय शर्मा, तू का बात है? हमने सबके का हेल्प लेला देखा हम कहा कहियो मुखिया जी, सब तो अपने जाने थे है। जैसे बुढ़िया हमार बचा ले तो हमने अलगे खा ली कमा ली, कहीं से कोई टेंशन नहीं रहा ले। अब तो बुढ़िया मार गई मुखिया जी, आप कहा एकर मेहरारू के तलगे ऐठा है, एकर मेहरारू कही तलगे टिंगरा है। तब हमार का होता है, हमारे को पेट में न भारी हो गई मुखिया जी। आई दूगो बेटा आती सेखन के कहा तो कुछ बातें नहीं लगाती। तो हम जवानी में अपन दूगो बाल बच्चा कैसे कैसे करके काहेल पोसा है आदमी कि बुढ़ारी में कामे आवेल ना मुखिया जी। अब खानी के जरा समझाऊ, और नहीं होते तो हम फिर जहर खा के मर जीबे। खानी अपन समझती अपन रहता थी ठाट से। ओह नो, अरे बाबू तोहनी ऐसे काहे कर रहा, तोहनी के रहते भर ने पापा भीख मांग के खाई तो तोहनी के नवस्ती ना हाओ। एखनी के कोई नौहस्ती ना है मुखिया जी, एखन तो चाहा थी कि बापा जाए उन्हें भीख मांग के खाए ढप डिया के मर जाए, और से एखनी के कोई लेना देना ना है। खाली एखनी के अपन मेहरारू के सेवा करे के चाही, जे कहता थू एखनी के मेहरारू से ही सुनता थू, दोनों ऐसा हो गल थू है। ओह नो, का करवा पेंसा जी भटजुग में चल थो। कहे बाबू तहन कुछ बोला नहीं रे। एगो हमरा से कुछ पूछा मुखिया जी, एगो हमरे जल मिल के है, एगो है बाबू साहब पटना रोज पूछा करते कि न करते से। तू का कहे बाबू, ये तो ऐसे बोला हाँ। हम कहा कहे मुखिया जी, हमारे बाप भाई है तो हम सेवा पानी ना करवा, दूसरे भरोसे रहवा। चल बाजी चल, हमरा देने रहिए जितना दावा दारू लग तो सब करेगा। चल वाह बेटा रहे तो ऐसा देखला पेंसा जी, कला कोई बेटा न रखतीन। अरे बेटवा बोले के तो बोल दिल के मुखिया जी, हम माने थिए लेकिन एकरो बस नहीं चले रे बाप, एकर जौन मेहरारू खचड़ है। पहले एकर मेहरारू से पूछ ला तब हम एकरा देने जीवे, नहीं तो ऐसे हमरा हिम्मत न करे रे बाप। ओह नो, अरे बाबू अरे तो अपन मेरे रोक जाके बोला वो का तू तो बाहर के बनवा ही, कल चल जीवे कमा आए तो बुढ़वा खा लेने देते तो बुढ़वा का करता है। अरे कौची कहा मुखिया जी, मनो ये नहीं आई बुढ़वा के ले आके रखेल कहे तो तुहर मलिकवा, तू कौची कहा निर्बान सा कोढ़िया ठूठा भैंस मारा के तन को दिमाग वन नहीं काम कराए, मनो एगो एकरे जल मेल के सीले जाके सेवा पानी करता है। और दोनों का करता थी, वो खानी का महुआ के खोलर में सेल थी हाल, और बुढ़वा के हिस्सा ना लेता थी। एगो जे हम करिया, एगो हमरे जल मेल के हाल। देखा मुखिया जी, भैंसमारा के मेहरू कितना कड़कर है, ओकरा का लगे तो भैंसमारा ओकरा आगू तो चूहा लगा है। सही बोल रहा जी, ये हाथिया लुथिया के का लगावेगा। ओह नो, अरे बाबू मेहरारुआ ऐसे बोलाओ रे, तू कहा रखेला। अब जे फैसला कर लो तो करा मुखिया जी, अब हम का करियो, हमार बात चलबे न करो मेहरारू के आगे। ओह नो, बस आ गए औकात पे, जैसे तू भाजनी ना बाबू वैसे हम फिर एक समय भांजा लिए, बाकी का करिए मेहरारू सामने घुटना टेकी पड़ ले। ये बुढ़ाठिया भी काम ना है मुखिया जी, जब तक एक गोड़ हाथ चल ले तब तक छोटके छोटके ले मर ले। अरे देखा कैसे बुढ़वा के देख के चमका थी, जैसे लगा बुढ़वा गम का है। हाँ हाँ हमारा बुढ़वा गम का है तो तुहानी दोनों रखी न गए, बड़ी तुहानी धन सेठ हो गनी है तो ले जा करके रखती है जरा दो चार महीने, तब न जानती हो हाल कि बड़ी तुहानी धन सेठ ही। ए तू चुप रहा है ना जी, ये हथिनिया तोरा पार लग दे तो। हथिनिया या तोर मौगी कौची हाओ, तो मौगी के काई रे खिलाई पिलाई या बड़ी हथिनिया बनाई। ये हमारे को मागुड़वा भैंस महाराज कुछ बोला है, मेरा रुआ के हथिनिया कह दल कै। ए चुप रह ने, तोरा हम बार बार में बदल कर आई के काम खल कर काम खल कर, तो ठूसा या था ही तने हथिनिया कह थू। आप कितना काम खाइए निर्बान से गए खाओ का भैंस महाराज चूहुआ, अब तो 20 रोटी खाहन उसे नजर लगा देला साहब, हम 17 रोटी खाऊं आपका भूख ले रहा हूं। ए बड़की छोटकी तो जा कर जा, तो अन झूठू कहला करता है, तो नहीं फैसला करवा। फैसला ना करो तो कम से कम सुनवे तो बाजी, जे करले से कर हने। दू गो पुथु ना हाल तो हमर मुखिया जी एकदम तीसिया बतीसिया हाथू, हमर दोनों बेटा के पुथु के आगे एक नहीं चलो, जैसे कहता तू तैसे सुनता तू, गायो हाँ तो भैंसियो हाँ, बेचारा बनल रहा थी एकदम। ओह नो, इतना तो मुखिया जी हम ना अपन बुढ़िया के आगे कहनो झुक ली हल, हमर मार के सराक भी गेल कहने कौन पताल में हो। अरे बाबू अरे इधर दोनों भाई इधर आओ। सुन ले बाबू, दोनों भाई कान खोल के, अगर मुखिया जी के फैसला माना तो जे हम फैसला करवाओ तो दोनों भाई के मंजूर करे पड़ते। ठीक है मुखिया जी मानवे आओ का। तो हम तो मानिए जिम्मे बेटा, लेकिन जो मैं हरुन मानथू तब ना। ओह नो,
साफ समझी तथी बाजी तू टेंशन कह ले अभी भैंसमारा के गोसा चढ़े कोई देखे न कल थी चुप रह सर हथिनिया गोसाई तो हार दो तो पकड़ के चल चुप रह और बोला हाँ हो मैंने हथिनिया के कर दे ला तू और बाजी मिल के बहन जो हथिनिया पकड़ा देना है कहाँ है और ये घड़ी हमरा ने खेपे पारे था जाना हो मुखिया जी जब हमने शुरू में देखे गलिए ना छोटकी के तो इतना मोट नहीं हले अब काय ने का खाए ससुरी से दिन पर दिन लगा है बेलुमानियन फूलल जाय थे हम फूलल ना जाय थिए बाजी हमार शरीर में बालगम है कौची फैसला कर थला मुखिया जी करा नहीं सब तो बतिया काट दिया थी अलगम है बालगम है चिलगम है सुन ले बाबू हमारा ये फैसला हा कि तुहन दोनों भाई के बाबूजी के एक महीना रखे ला एक महीना तोरा दिन रहतो बाबू तो खाना पीना दवा दारू के भार तोरा उठाए पड़तो एक महीना बाद तोरा दिन अतो बाबू तो खाना पीना दवा दारू के भार तोरा उठाए पड़तो ये सब तो फैसला ठीक है मुखिया जी लेकिन जाना हो कि हमार तबीयत खराब हो जा है समय पर खाए ले नहीं मिलता है समय पर दवा दारू नहीं मिलते हमारा हफनी के बीमारी है तो हम इसी ने मर जी भी मुखिया जी जरा यू समझा दे अच्छा तू स्थिर रहा ने बेसर भा एक उपाय निकाल देती हूँ ना दवा दारू और खाना पीना तुरा टाइम से मिलते तू भाई में कायल है अरे बाबू अरे ये सब बयान लिख रहा है हाँ मुखिया जी ठीक है बढ़िया से लिखना ये सब करे साइन ठेपा करावेंगे ठीक है हाँ मुखिया जी ठीक है कहा है खनि कखनी बदल जीता तू से कन के कोई ठिकाना ना हो साइन ठेपा करवाइए लिया सुन लो बाबू फैसला के एक और खास बात है कि बूढ़ा जिसको पालन मरेगा उसी को काम क्रिया को पूरा खर्चा उठाए पड़ेगा ये कौन फैसला कर देला मुखिया जी हमार दू गो बेटा हती तो मारे के बाद दोनों काम क्रिया करता थी कि एक को करते ए बुढ़ाओ तू चुपचाप रहो तोरे फायदा के लिए है ऐसे दोनों बेटा टाइम टाइम से दवा सुई करावेगा और खान पान भी करेगा दोनों भाई के मंजूर है न रे बाबू हाँ मुखिया जी मंजूर है लाओ कागज लाओ तो अरे बाबू तुम दोनों भाई के मंजूर है तो इस कागज पर ठेपा मारो जा बेसा जी तुहरा ऐसा फैसला कर दो ना कि जिंदगी भर तुहरा दोनों गुड़ में तेल लगते रहते अच्छा जा मुखिया जी भगवान करो तुहर मुंह में पान फूल बरसो और तू मुखिया में जीते रहा बरसो बरसो सुनना ही कैसन मुखिया जी फैसला करके जे जरा टाइम से बुढ़वा के खाना उना सेवा पानी कैले जिये तेल उल लगैले जिये न तो जहाँ अपना दिन मरलो ने तो लीलो लग जीतो आप का करिए ऐसा फैसला निर्माण सा मुखी बा सुनाइए दल के तब आप जाने बुढ़वा मारते से फंसता है ओह नो अरे सुनी रे मुखिया जी की फैसला बजा के टाइम से दवा दारू दे ले जिये ऐसा हमारे दिन ना टपक जाओ ना तुम मरने से करनी बहुत भारी हो जी तो सुना लिए ना मुखी वैसन फैसला कर दिल के हमरा टेंशन दे दिल के ओह नो टेंशन जाएगा ना पेंशन नहीं खाली बुढ़वा के एक एक टाइम नवरत्न तेल खोपड़े पर लगाते रहना सब ठीक हो जाएगा करने के नहीं रे बेटा अरे लाओ जरा हफानिया वाला गोलिया रे अरे नहीं सुनी रे कौची का हो दम माथा चट रहल करल कर रही दुनिया में इतना बूढ़ा देख लू बकेरा जैसे बूढ़ा हमने देखा लिए अरे बाप रे बा कह जी हफानिया वाला गोलिया दे ना हफानिया उफान मारे था अरे बाप रे अब ना बचो बप्पा लगाओ हरदो चूना बोले पर जी तो आप हादी चूना कुछ बोले पर जी तो कबाडी खेले था अरे छौड़ा तोरा मजाक समझ में आवे था हमरा हाफनी से ने जान निकल जाए थे अरे जल्दी लावे ने हाफानिया वाला दवाइया और कहाँ गेल वो अरे रनिया के बोलाओ ने वही दवाइया रख को हो कने गेल रनिया कौची होली जी बुढ़ाठिया खाली दिन रात चिल्लात रहल कर रहा है अरे होते कोची है कर हफानी वाला दवाइया क्या रखनी है फिर हफानिया के उधा के लाए ला करके दे ही ने हफानिया वाला गोली आई थी मत उतर न धैले जी दहा कोई नहीं बुढ़ाठी हमारे पारा में बार बार बीमार पड़ जा रहा अच्छा तीन चार दिन आओ घीच
फिर तो हमारा पारा खत्म हो जीत। फिर समझे अपन बाबू साहेब, एक महीना के बाद हमारे पारा आता है, तलवा न हो सके विकेट भी गिर जीते। ऐसे करें बाजी, चल जी मैं कहा। अरे हा फानिया से लगे थो एकदम सांसिया बंद होवे था, घींचते घींचते कितना घींचिया सांसिये ने आवे था, जरा डॉक्टर वो बुला दे बेटा को सुइया दिला दे रे। ओह नो, तू हूँ मरे तेने एकदम का पागले हैं, सांसिया ना घींचा था तो लगता घींचना जरूरी है, आधा घंटा रुक जो थोड़ा स्थिर हो जाओ तब घींच। अरे आधा घंटा का कहाँ है बेटा, जल्दी डॉक्टर वो बुला के हफानिया के सुइया दिला दे, नहीं तो हम 5 मिनट से ज्यादा ना आड़बो आप क्लीन बोल्ड हो जीवो। ए जी जहाने जी डॉक्टर को बुला के लग के सुइया दिया दाने ना मार के लो तहन लीलो लग जी तो। आयो रे मां का से करे था हो, 2-4 दिन और घीच बाजी हम परवा खत्म हो जी तो जाके छोटका देने मारिया। तू ऐसन बोला ना जी के तोर मुंह में देखे पड़ा, तोरा कख निकली के डॉक्टर को बुला ला तो खाली बाजी बाजी करा, बाजी तो अपने बॉर्डर पर लड़ थे थी, कखनी शहीद हो जाते थे इसको गारंटी है। आयो रे मां। हाँ बेटा दम सही कहे था, आतंकवादी दम घुसल है तू, कखनी उलट देता तू से कोई गारंटी ना हो। अच्छा रुक आवा डॉक्टर को बुला ले तब इन लड़ बॉर्डर पर, जरा झटके मैं यहाँ बेटा लेट मत कर यहाँ, तब ला हम लड़ा ही अभी तो साटे ना दे थी हो। अच्छा ठीक हो भाई बुला ले अखबार को मत। देखो बाबू ये जो तुमको बुखार है मलेरिया मियादी हो गया है, इसमें लंबा दवाई चलेगा, ये जो हम दवाई दे रहे हैं जो सूते के बाद और उठे से पहले सुबह शाम एक एक टैबलेट ढकेलना है। आए समाज में ना आईले साहब, सूते के बाद और उठे के पहले कैसे ढकेलवा। अरे बेहुदा कहीं का, ना कैसे ढकलाएगा और नहीं ढकलाएगा तब बीमारी कैसे ठीक होगा। ये सारा सारी गलत तरीका है सर दवा खा के, हमारे से ना होता। नहीं कैसे होगा रे, ये कैसे होते सर, झूठो खाली पागल बना रहा है, मानो हम सूतिए जी तो ढकेलबे कैसे और उठे से पहले, हम उठबे नहीं करते तो ढकलाइते कहाँ से। अच्छा जाओ तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो पत्नी से ढकलवा लेना। ऊपर से कि नीचे से। अरे तुमको जहाँ से सुविधा पड़े वहीं से ढकलवा लेना, जाओ। तोरा कोची हुआ बाबू, तू बड़ी देरी से खड़ा है कुछ बोलता नहीं है। कहे थी डॉक्टर साहेब तोहरा चले पर तो जरा घर है। का हुआ जी। हमारे बाजिया का फानिया उधाक गेले, जरा चला ने सुलग सुविधे पर तो। oh, no! अच्छा चल चल पहले देखिए ले हियो। बाजी ए बाजी कुछ बोला ना बाजी, तभी ठीक लगे थो। अभी स्थिर रह गए, भगवान के ध्यान लगे ले हलिया। हम तो सोचा ले तू चल गला बाजी। आयो रे मां। नहीं गए अभी यही गए, छोड़ा काखनी से गेले डॉक्टर बुलावे से अभी नहीं लाओ। देखा देखा डॉक्टर साहेब सुई उदा है दम मरीज वादम बेहालत होले। अच्छा रुकी अल तलाइए मत, पहले हमारा बीपी जांच करने दीजिए। का होले डॉक्टर साहेब। अरे अस्थिर रहिए, अभी हफनी बढ़ा हुआ है, हफनी का सुई दे देते हैं ठीक हो जाएगा। है डॉक्टर साहब देखा ने एकदम भूख होना लगे थे बापा, आ मुँह में एकदम तीत लगा है जैसे लगा है बकरी के मूतनी है। अरे बाबू अभी तो हम सुई दवाई करिए दे थी आओ, लेकिन गया ले जा करके एम्सवा में बाबू जी के चेक करवा दिए हैं, जौन हिसाब से बोले था तो हमारा लगे थो कि दोनों किडनी इनकर फेल हुए थो। कितना नंबर से फेल हुए थे डॉक्टर साहब। अदूत सर बंदर मुहा तोरा मजाक लगाओ, जे हम कहे थे उसे चुपचाप जाके करा ही। ये दवाइया सुई दिला से 2-4 दिन ना घीचते डॉक्टर साहब।
हाँ दो चार दस दिन तो घींचे देता हूँ, लेकिन ले जा करके चेकअप करवाइए दिए ही। दो चार दिन घींचे देते कॉल हम कराओ जो चेकअप, हमारा तो पारी खत्म है वाला, जाने बो रहा छोटका देने उन्हें मार जी चाहे ढाई जी। देख ले बाबू ये दो टैबलेट है जो सुबह शाम खिलाना है, और ये को सिरप है जो पहले हिला के मिला लेना है उसके बाद पिलाना है। अरे सुने ही रे, बजे के दवाई खिला के सिरफा पिला दे तो आवा ही जरा लैट्रिन करके भोरे से उठा ली से गेलिए लैट्रिन करे। जी कहा हलियो ना के कतो बाजिया के कास के तबियत खराब हले से डॉक्टर आयल थियल देखे, जरा जाके मिल ले तू हाल। मनु के तोरा कह को ना जी अभी देखा लिया हम बड़का भैया ले ले आवे थाल थी डॉक्टर बोला करके। ओह नो। अच्छा ठीक है हम जा करके देख ले आओ का। कैसन तबियत हो बाजी के ननका हरे, अब कुछ आराम लगे थो बेटा, दवाइया सुइया पड़ लो और बड़की दवाइया सिरफ उरफ पी लेलको है तो कुछ आराम मिल रहा है। खाना उनू कुछ खैनी हो, कैसी दवाइया खा लेनी? अभी कहाँ कुछ खेलियो है, अभी कुछ कहाँ खेलियो है, दवाइये तो अभी खेलियो है, जरा आराम मिलते ना तो खा ले भाई, तू टेंशन मत ले बेटा। ओह नो। कने कनी रे बजक दवाइया खिले नी? खिले ली ना। और सिरफा पिले नी हाल? पिले ली ना सिरफा, तोरा लगा बाकी है। डॉक्टर साहब का हाल थेल की सिरफा के पूरा हिला के पिला लेते, हिला के पिले नी हाल। ओए बप्पा हम तो हिलाइबे ना कैली जी, ऐसे पिया देलिए। तू ढकन मुही और बोला हाँ, जहाँ तू रहबे ना सब के लेके बैठ जेबे। अरे बाबू अरे एक काम कर, ये तो ढक्कन बुही दवाई नहीं है मिले क्या, न हुए तो बच्चे के पकड़ के धर के हिलाओ, सब दवाई मिल जीते। हाँ हाँ हिला 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 हिला, हाँ हाँ जोर से हिला, हाँ 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 अच्छी अच्छी हाँ। ले जो बेटा अब ना खेबो। काहे बाजी तनको खाइना ना होदा मान पानी त्याग ले जाय था ना बच में का। नहीं बेटा एकदम तबियत ना ठीक लगे थो अंदर से, और खाए के तो एकदम में ना भूख वाला को तनको इच्छे ना करे खाए के, का खाइयो? ओह नो। अच्छा तोरा कुछ खाए के मन कराओ बाजी, जे खाए में जे लावायो बोल, तरबूजा खाए मा? ना खाए वो तरबूजा बेटा, काहे ला परेशान होवे था। ताकू जी खाए मा, मुर्गा खाए मा, मछली खाए मा, अंडा खाए मा? अरे ना कुछ खाए के इच्छा करो बेटा, काहे ले जबरदस्ती कर हाँ रे, तन को इच्छे न करो अंदर से खाए के, ना हो ते को बेदाम पर कौड़ा ले ले आओ। ठीक हो बाजी आवा ही लेके। अरे बाबू कहाँ जाय थी, कह तो बाबूजी के तबियत खराब वाला हो, कैसा ना तू? हाँ मुखिया चाचा आप लगाओ कि बाबूजी ना बचता तू, एकदम आन पानी छोड़ दल तू। ओह नो। अभी किरा दन पारा हो रे, तोरा दन की भयवा देने। हाँ दूत मुखिया जी अब बोला हाँ, ऐसा फैसला कैला की लगा हमी धराज भी की। अरे करवा बदमाश रे, मनो बेसर भाई मारे जुक रहा थी, जाके कोई बढ़िया डॉक्टर से दिखावा, मनो होवा है कोची? होते कुछ चाचा, वही पुरानका बीमारिया दामा उलट गए है, और का भूखे लगे एकदम आन पानी साहब छोड़ दिल के। oh, no! अरे बाबू एक काम करे, भूख होना लगो ने तो रुचा मैक्स या बतीसा पाउडर वहा ने एक आधो पैकेट दही, से तो भूख खलखला के लगते। तो कहाँ मिलते चाचा? अरे जाए ने कहीं भी जानवर के मेडिकल में जिमी ने तो कभी बतीसा पाउडर दे दीजिए तो दे देता हूँ। अच्छा ठीक है चाचा यू करके देखा है, हमरा तो ना आसाओ की लगा बाजिया बाज दो, लगा दिने पर दिन ढाल जाते हो। ए तो नहीं है ने बैठा लाओ कतु भी ने सर चाचा मार गेला है। कौन काको पूरा गांव में हल्ला होला है।
पूरा गाँव में हल्ला होला। चला तो देखियो, चला चला तुझे चला 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 को जी कॉल बाजी के बहुत तो तबीयत खराब है कि ओ पूरा गांव में हल्ला कर दलका तुमके बिना सर से चा मार गेला है। चाचा चाचा बोलो बाबू चाचा लगा होश में ना थी। चाचा कोचोला बाजी के कोचोला सब संतरा तो संतरा तो शरीर ले लेना इलाज न करावल जाओ कहीं प्राण टूटे था सारा मेरा लगना चाहिए था ने, एर, oh, no. मनु तू बोलेंगे तो हमारा मुँह देखे पर है तोरा ही बाजी आलो तो हम ना के लिए हाँ पैसा रहता तो हम ना देखे थी बाजिया के तो देखा कुछ कल कल मुखी बा कुछ का क्या की जगह पारा तो वही देखता है पारा तो पैसा हमारा देखा तो मारे दही मारे दही था काम क्रिया कैसे करवाए देखो मार कैसे जीता है मैंने तो आनी दू को बेटा रामी एक जमीन दे जाता है ना बेच के इलाज होता है कहाँ के लिए समाज कहाँ जीते मुखिया सब होते ही इलाज कर रुखी ने कुछ चाचा चाचा बाजी चाचा बाजी एकदम हो सुना थी सही घर में दो पैसा कर्जा रहे तो रहे लेकिन बूढ़ा बूढ़ी ना रहे सही कहवा हो गए मैया।